नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनको जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में इस तरह की कुल 16 जेल हैं। इसमें 9 जेल तो तिहाड़ में ही मौजूद हैं, जबकि 1 जेल रोहिणी और 6 जेल मंडोली में है। रोहिणी और मंडोली की जेल भी तिहाड़ के अधीन आती है। आबकारी मामले में ही जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 में, जबकि के कविता को महिला जेल नंबर 6, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया। जेल नंबर 6 तिहाड़ में है, जबकि जेल नंबर 16 मंडोली में है। जेल भेजे जाने से पहले सारे कैदियों का जेल में ही मेडिकल होता है। मेडिकल की यह सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल भी तिहाड़ जेल में ही होगा। यहां पर 2 मुख्य अस्पताल भी मौजूद हैं। बताया जा रहा कि केजरीवाल का मेडिकल एक डॉक्टर और उनकी टीम करेगी, जिसमें बीपी शुगर चेक करेंगे, बाकी मेडिकल हिस्ट्री पूछा जाएगा। केजरीवाल की पूरी मेडिकल रिपोर्ट जेल रिकॉर्ड में रखी जाएगी। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेडिकल जांच की इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे का समय भी लगता है। आबकारी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने केजरीवाल को पेश करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में कई हैरान करने वाले दावे किए। ईडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बताया है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह ने पलटवार करते हुए ईडी की इस दलील पर सवाल उठाया। जैस्मिन शाह ने कहा कि जब विजय नायर को हिरासत में लिया गया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता हूँ। जैस्मिन शाह ने आगे कहा कि अब सवाल उठता है कि ईडी ने 1.5-2 साल बाद उस बयान को क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास है। हमारे इन 2 वरिष्ठ नेताओं अतिशी और सौरभ का नाम, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, किस लिए लिया गया, यह समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से पार्टी बंद नहीं होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शराब घोटाले केस में तिहाड़ भेजे गए मुख्यमंत्री केजरीवाल, जेल नंबर 2 में होगा ठिकाना, वहीं पर होगा मेडिकल। लेकिन आज केजरीवाल ने 2 नाम और लिए हैं, सौरभ भारद्वाज और दोस्तों मंत्री अतिशी का। अब इनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। इस समय दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।